बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम के साथ आप लोग सब खैर और आफियत के साथ होंगे, और दुआ है कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियां करे। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो मैं बहुत ही यमी और टेस्टी से बना रही हूँ टोस्ट। आप ब्रेकफास्ट में इसको बनाएं, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद ब्रेड स्लाइस लिए हैं, 2 चीज़ स्लाइस लिए हैं और 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी रेडी होने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे हम जो है अंडों को 1 बाय 1 बॉल में पहले ऐड करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर की करें, और जी मेरे जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। और जी 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें ऐड की हैं, और ये 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है, इसको पैंट लेना है अंडों को बहुत अच्छे से, तमाम स्पाइस अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और जब अच्छे से अंडे हमारे फट जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन अनियन, वो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ग्रीन अनियन ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, और आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएँ तो बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे, बड़े भी, सबको ही बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने 2 से 2 टेबल स्पून जो है चॉप टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हम ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, और ब्रेड स्लाइस की जो साइड्स हैं उसको हमने बिल्कुल कट नहीं करना है, इसको इस तरह कट करना है कि सेंटर से हमने स्क्वायर का ब्रेड का एक पीस निकाल लेना है। तो ये देखें चारों साइड से मैं इस तरह से कर्व्स लगा रही हूँ कि हमारे सेंटर से एक अच्छा सा स्क्वायर सा पीस निकल आएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी हिट करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ये देखें इस तरह से हमने इसमें से सेंटर में से इसका पीस निकाल लिया है, और इस तरह हमें इसको रेडी करना है। ये देखें, आइए अब हम इसको किस तरह टोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, और पैन में मैंने बटर ऐड कर दिया है, और बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो हमने ब्रेड का स्लाइस, हमने जो इसकी साइड्स कट किए थे उसको वहाँ पे हम पैन में रख देंगे पहले, और जो हमें अंडे का बैटर था वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखें सेंटर में ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसको अब हम कुक होने देंगे। बहुत स्लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद उस पर चीज़ स्लाइस रख देंगे, चीज़ स्लाइस रखने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड का वही स्लाइस जो कि हमने कट किया था सेंटर से निकाला था वो रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है, और इसको हम अच्छे से प्रेस करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से तमाम एग अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। इस साइड से जब अच्छे से ये सीक जाएगा तो हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट में इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अब देखें मैंने इस साइड पर भी थोड़ा सा बटर लगा दिया 1/2 टेबल स्पून, और इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से जो है प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, जितना भी इसमें एग है वो अच्छे से कुक हो जाए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तमाम टोस्ट हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और यमी से हमारे टोस्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। हमें इसको लो मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि अंदर से एग जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखें जी, ये हमारा रेडी हो गया टोस्ट। अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करें। और जी मुझे ज़रूर बताएँ आपको मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए हज़ारों करोड़ों दुआएं हैं वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया इस तरह स्लाइस में। तो देखिए बहुत ही यमी और टेस्टी से हमारे टोस्ट रेडी हो गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा लुक आ रहा है इसका।
तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। आप सबके लिए हज़ारों करोड़ों दुआएं, मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में अपने सबने याद रखना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।